नमस्कार। आरएस मुख्य परीक्षा में दो टॉपिक हैं, एक है सिविल सोसाइटी और एक है पंचायती राज, है ना। तो देखो, सिविल सोसाइटी भारत की अगर बात करें तो अन्ना हजारे जो आंदोलन चलाया था उस समय सिविल सोसाइटी चर्चा में आया था, और अरब देश से लेकर के पूरी दुनिया में जो क्रांतियां चली थी, जैस्मिन क्रांति से लेकर जितनी भी क्रांतियां, उस समय भी सिविल सोसाइटी बहुत चर्चा में था, आंदोलन हुए। तो सिविल सोसाइटी है क्या दोस्तों? सिविल सोसाइटी का मतलब आप यूँ समझो कि ये राज्य से इतर संगठन है। ये कहते हैं कि जैसे राज्य है ना, वैसे ही हम हैं। राज्य की प्रकृति बहुत व्यापक है, कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है, हमारा कार्य क्षेत्र बहुत सीमित है। हम राज्य के विरोध के रूप में नहीं, हम राज्य के सहयोग के रूप में हैं। इसके अलावा जो सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी एक तरीके से जन आंदोलन खड़ा करने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये कह रही है कि चाहे राजनीतिक सुधार की बात हो, चाहे आर्थिक सुधार की बात हो, चाहे किसी तरीके के सुधार की बात हो, तो सिविल सोसाइटी ये कहती है कि समाज के अंदर और राष्ट्र के अंदर सिर्फ एक जो राज्य है, जो सरकार है, वही सब कुछ नहीं है। सिविल सोसाइटी भी इस दिशा के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सिविल सोसाइटी ने सूचना के अधिकार के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा के अंदर और विभिन्न लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत से समय समय पे विभिन्न मुद्दे उठाए हैं। और सबसे पहले अगर बात करें तो सिविल सोसाइटी शब्द का जो प्रयोग है वो हीगल ने किया था, जर्मन दर्शनशास्त्री भी है, राजनीतिक विचारक भी है, उन्होंने इसका किया था। तो मोटा मोटी तीन बातें निकल के आ रही कि सिविल सोसाइटी का मतलब ये है कि भाई हम कुछ करना चाहते हैं और हम राज्य के विरोध के अंदर भी नहीं हैं, लेकिन हम राज्य की जो तानाशाही है, सरकार की जो तानाशाही है, उसका भी विरोध करते हैं। तो मोटा मोटी जो सिविल सोसाइटी की ये बातें हैं। अब आप ये सोचो इसको 15 शब्द में कैसे लिखना है, 50 शब्द के अंदर कैसे लिखना है। मोटा मोटी जो चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब आप ये कहोगे साहब सिविल सोसाइटी और एनजीओ में क्या अंतर है सिविल सोसाइटी में? तो एनजीओ जो है कॉपरेटिव सोसाइटी के तहत या संस्था के तहत, उसको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, ठीक है। और सिविल सोसाइटी एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, ठीक है, स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। एनजीओ जो है उसके संगठन की संख्या कम हो सकती है, ठीक है, इनके एक निश्चित पर्पज होते हैं। और लेकिन सिविल सोसाइटी का मतलब तो है दायरा उनका बहुत ज्यादा व्यापक है। सिविल सोसाइटी का मतलब है सिविल, यानी कि जनता के लिए सोसाइटी। तो आपको थोड़ा सा उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आना चाहिए कि सिविल सोसाइटी में एनजीओ में अंतर क्या है। मैं ये पूरा टॉपिक आपको अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो टॉपिक पढ़ते हो, देखो आना चीज़ अलग है, बोलना अलग चीज़ है, उसको लिखना बहुत अलग चीज़ है। इसी तरीके से एक छोटा सा टॉपिक है पंचायती राज की विफलता है। तो आप भली भांति जानते हो कि पंचायती राज के अंदर विफलता क्या है। तो देखो, मैं हमेशा कहता हूँ इंग्लिश मीडियम में जो कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम में अंक ज़्यादा आते हैं, हिंदी मीडियम के अंदर भेदभाव होता है, तो इंग्लिश के अंदर क्या एब्रीवेशन करना बहुत आसान है, जैसे कि पंचायती राज की विफलता है, ठीक है ना। तो इसमें इंग्लिश में अगर लिखना हो ना तो क्या हो जाएगा कि पॉलिटिकल इंटरफेयर, लैक ऑफ ऑटोनॉमी, लैक ऑफ फाइनेंस, एज वेल एज करके फिर 2-3 पॉइंट अंदर डाल सकते हो और एज वेल एज करके सेंटेंस खत्म हो जाएगा। यही हिंदी में लिखना हो पंचायत राज की विफलता 50 शब्द में, तो पहले तो सबसे पहले तो हमें भूमिका बांधनी पड़ेगी कि भाई भारत के अंदर पंचायती राज ने असाधारण उपलब्धियां हासिल की है, लेकिन फिर भी कुछ कमियां हैं। तो यहां देखो आप, एक लाइन खराब हो गई, ठीक। फिर जब विफलता बताओगे तो विफलता के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 अगर बता दिया, जैसे आपने पॉइंट वाइज कर लिया 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, या 6 पॉइंट बता दिया, तो 6 पॉइंट के अंदर तो 25 शब्द आए और, है ना। तो भाषा के अंदर तारतम्य देना जरूरी है, प्रवाह देना भी जरूरी है। तो उसमें है ना, पंचायत राज की विफलताएं क्या है कि साहब वित्त की कमी है, कुशल राजनीतिक नेतृत्व का अभाव है, ठीक है, सरकार के द्वारा विभिन्न तरीके से नियंत्रण की समस्या है, ठीक है, और उचित कार्मिक और उचित मनोबल अभिप्रेरण का अभाव है। तो कहने का मतलब जो भी पंचायती राज की आप विफलताएं लिखोगे तो साथ के अंदर भाषा के अंदर परवाह होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और दोस्तों, जैसे मान लो मंच पर बोलते हैं तो हम कहते हैं क्या बोल देंगे, लेकिन जब मंच पर बोलते हैं तो ये पैर कांपने लग जाते हैं। तो ये की बात मुख्य परीक्षा के अंदर है, कहना आसान है कि पंचायती राज की विफलता क्या है बता दीजिए, लो साहब 5 पॉइंट, लेकिन जब उसको भाषा में पिरोगे तो पता चलेगा लिखना बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको ये 2 सवाल दे रहा हूँ,
आप इस दोनों सवालों पे प्रैक्टिस करो, मोटा मोटी चीज़ें मैंने बताई, आप देखो उसमें क्या नया जोड़ा जा सकता है, उत्तर को और रिफाइंड कैसे किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।